assalamu alaikum dear students me shekha tutor of mathematics of youtube channel sm math vibes dear students we will discussing the mcu solution of calculus second math 302 gc university faisalabad outline paper these mcqs repeated mostly in online exam of gc university faisalabad total 60 mcqs online paper is conducting and have to attempt all mcqs this is my second video on mcqs of math 302 calculus second first i have uploaded my channel playlist so if we have any problem you can comment and i will provide the answer immediately dear students so let's start the mcqs number one ratio test inclusive if there are total three Option is available. Number one is limit n approaches to infinity an plus 1 over an equal to 1. Limit n approaches to infinity n plus 1 over an greater than 1. Option C is limit n approaches to infinity an plus 1 over an less than 1. So uh, we study the ratio test article, uh, it will be equal to 1. So right answer is equal to limit n approaches to infinity an plus 1 over an equal to 1. Um, excuse number two is integral minus two to two x more dx equal to हमने डे से ये पढ़ा है कि इंटीग्रल एफ एफ एक्स डी एक्स हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स हम उस पार्टीशन को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल माइनस टू, टू 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 एक्स मो डी एक्स है सो तो हम ये इंटरवल बना लेंगे माइनस टू टू ज़ीरो और ज़ीरो टू टू सो तो इंटीग्रल माइनस टू टू जीरो एक्स मो डी एक्स प्लस ज़ीरो टू टू एक्स डी एक्स जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे और देन हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वन और थ्री से अलग आएगा आंसर जो आएगा वन और थ्री से अलग आएगा सो यहाँ पे जो आंसर है वो वन है थ्री और नन ऑफ दीज है सो नन ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर एम सी नंबर थर्ड है इंटीग्रल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई प्लस एक्स प्लस रेज पावर फाइव बाई टू डी एक्स सो so, अगर हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन को शिफ्ट करते हैं तो हम नोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर बनाएंगे तो ये कुछ टर्म ऐसे बनेगी इंटीग्रल एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस फाइव बाई टू ऊपर जाकर माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा और आगे टू एक्स प्लस वन डी एक्स है तो ये आपके पास फंक्शन बन गया और आगे उसका डायरीवेटिव बन गया क्योंकि एक्स स्केर का डायरीवेटिव लें टू एक्स आ जाएगा और एक्स का डायरीवेटिव वन आ जाएगा सो so, इंटीग्रल फंक्शन एंड इट्स डेरीवेटिव जब आपके पास पीछे इंटीग्रल हो आगे फंक्शन हो और उसका फिर आगे डायरीवेटिव हो तो फंक्शन की पावर हो जाती है तो ये आपके पास आ जाएगा आगे टू एक्स प्लस वन वन एक्स एक्स प्लस प्लस माइनस फाइव बाई टू तो आप इसको कर सकते हैं माइनस फाइव बाई टू प्लस वन अगेन माइनस फाइव बाई टू प्लस वन इन द नॉमिनेटर सॉरी इन द नॉमिनेटर तो राइट आंसर विल बी माइनस टू बाई थ्री एक्सर प्लस एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाई टू प्लस सी ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा एम सी नंबर फोर है समीशन वन टू इन्फिनिटी वन बाई एन इक्वल टू ये आपके पास हार्मोनिक मेन की जनरल टर्म है इंटीग्रल सीक्वेंस के डी एक्स विल बी इक्वल टू टेन एक्स ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का इंटीग्रियल जीरो डी एक्स किसके इक्वल होता है डे स्टूडेंट ये कॉन्सटेंट के इक्वल होता है एम सीक्यूज नंबर सेवन है इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ये डेफिनेट इंटीग्रेट की प्रॉपर्टी है कि हम उसमें थर्ड जो है वो वेरिएबल सी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपर लिमिट वही रहेगी लोअर लिमिट वही रहे रहेगी उनके दरमियान में एक आर्टिकल सी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने एम सिक्यूज नंबर टू को सॉल्व किया था तो राइट आंसर विल बी सी इंटीग्रल ए टू सी एफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स सो एम्बर एट है इंटीग्रियल टू सो वन प्लस एक्स स्क् को जब हम नॉमिनेटर में लेके जाएंगे वन और वन प्लस एक्स स्क् हो जाएगा टेन वर्स एक्स का डायरीवेटिव क्या होता है वन और वन प्लस एक्स स्क्र नीचे फंक्शन ऊपर डायरीवेटिव लॉग फंक्शन आ जाएगा लॉग टेन वर्स एक्स मॉड प्लस सी है डोमेन ऑफ सीक्वेंस विल बी रॉयल नंबर जोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट इफ़ कॉमन रेशो लैमडा मॉड लेस देन वन कन्वर्जेंट सिक्वेंस इज इंटीग्रल इंटिग्रल एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस सी के सो ये डे स्टूडेंट्स वो एम सी क्यूज थे जो ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं कैलकुलस से थ्री जीरो टू के सो दिस इज द सेकेंड वीडियो लेक्चर फर्स्ट आई हैव अपलोड एंड टोटल फाइव वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल एट प्ले लिस्ट दैन